ghamasan.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजनीति नेता के बारे में जिन्होंने भाजपा को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की, जिनका हाल ही में भाजपा ने टिकट काट दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी, तो हम उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। सर, आडवाणी जी का टिकट काट दिया गया है भाजपा की ओर से, तो इस टिकट काटे जाने पर आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की एक बड़ी खबर बन गई है। लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट कट जाना वाकई आश्चर्य से देखा जा रहा है। ये बात सही है कि उनकी उम्र 91 ईयर के वो हो गए थे, उम्र दराज होने के बावजूद उनको टिकट क्यों दिया जाना चाहिए, इस पर भी बहस चल रही है। सवाल उसका नहीं है कि टिकट क्यों कटा और कैसे कटा और टिकट कटना था या नहीं कटना था। सवाल इस बात का उठता है कि जिस व्यक्ति के कारण शून्य से शिखर तक पार्टी पहुंची हो, जिस नेता के कारण पूरी पार्टी आज सरकार में है, देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकारें भी है, ऐसे में जो उनका टिकट काटने का जो तरीका है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासी प्रतिक्रिया है। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी और बाकी दलों के नेता और कार्यकर्ता भी आश्चर्यचकित हैं कि आडवाणी का राजनीतिक ये जो खराब समय आया है वो आखिर कैसे हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि लालकृष्ण आडवाणी से पहले पार्टी के नेता या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उनसे जाकर बात कर लेते और उसे पूछ लेते कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, फिर जो भी पार्टी का अंदरूनी फैसला होता उस फैसले की जानकारी लालकृष्ण आडवाणी खुद दे देते, बेहतर होता, जैसा कि आमतौर पर होता है कि लालकृष्ण आडवाणी पार्टी अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखते और उनसे ये कहते कि अब मैं उम्रदराज हो चुका हूँ, मेरी चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं है, पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को मेरी जगह चुनाव लड़ाइए। तो लालकृष्ण आडवाणी का जो है सम्मान बरकरार रहता। लेकिन इस तरह की घटना से तो यह मैसेज गया कि आडवाणी जो है से बड़े नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो गए हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि संघ के कहने पर यह फैसला किया गया, हालांकि लालकृष्ण आडवाणी भी शायद ही चुनाव लड़ना चाहते होंगे, क्योंकि वैसे भी संसद में उनकी जो स्थिति बनती है वो हम देखते रहते हैं कि क्या स्थिति होती है। इसलिए उनका जो टिकट काटने का मामला है उसको भाजपा ठीक से पेश नहीं कर पाई या उस मामले को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी 91 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, तो ये क्या सही समय है जब उन्हें राजनीति से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? देखिए, राजनीति ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसमें कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं है जी। सरकारी अफसर हो या मिलिट्री के अफसर हो और बाकी प्राइवेट कंपनियों में भी 60-62 और कहीं 65 साल के व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाता है जी। लेकिन राजनीति में जो लोग आते हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो उनका जिंदगी भर का पट्टा लिखा हुआ है, गर्दन हिल जाए, पैरों से चला ना जाए, मुंह से बोला ना जाए, दांत सारे टूट जाए, मेहनत हो नहीं पाए, जनसंपर्क चुनाव में पूरा कर नहीं पाए, मेहनत करने की बात तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन नेता इतना ज़्यादा आभामंडित होता है, इतना महिमा मंडित हो जाता है कि वो ये सोचता है कि जिंदगी भर का पट्टा लिखाने के आया है और वो मरते दम तक नेता रहना चाहता है। ये बड़ी समस्या है। ये सवाल कई बार उठ चुका है और अब नई पीढ़ी जो मतदाता बन रही है उसके मन में भी ये सवाल उठता है कि जब हर व्यक्ति के रिटायरमेंट की उम्र है तो नेताओं के भी रिटायरमेंट की उम्र क्यों नहीं है। ये बहुत अच्छा समय है कि लालकृष्ण आडवाणी के टिकट कटने के साथ ही इस देश में इस बात पर बहस होना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को इस बात को मानना चाहिए कि एक उम्र तय करके सारी पार्टियां अपने संविधान में संशोधन कर दें कि लगभग 60, 65 या 70 या 75 साल
तभी वो सक्रिय राजनीति कर पाएंगे। ये इस तरह का यदि मानस बनता है तो आम जनता में भी अच्छा संदेश जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट कट चुका है, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और भी राजनीतिक दल ऐसे हैं जहां पर ऐसे उम्रदराज नेता हैं, तो क्या उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? और ऐसा क्या संशोधन किया जाए कि मतलब कानून में क्या संशोधन हो सकता है कि नेता रिटायरमेंट ले लें इस उम्र के बाद, उसके लिए क्या कर सकते हैं? दो तरीके हैं, बड़ा अच्छा सवाल है कि अभी आप देखिए मुलायम सिंह यादव भी अब ठीक से बोल नहीं पाते, कई बार तो वो जब बोलते हैं तो समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं और अर्थ क्या निकल रहा है उसका, या अर्थ का अनर्थ क्या हो रहा पता नहीं चलता है जी। इस मामले में भी ताजा उदाहरण सोनिया गांधी का बहुत बेहतर है, हालांकि वो फिर चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का, लेकिन सक्रिय राजनीति से उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया अस्वस्थ होने के चलते और पार्टी अध्यक्ष का पद से इस्तीफा दे दिया। कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती है, लेकिन अलग अलग दल के नेताओं को अपने पार्टी के संविधान में संशोधन करना होगा कि इतनी उम्र तक जो निर्धारित आयु है तब तक ही वो उन पदों पर रह पाएंगे जहां पर सक्रियता के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार या चुनाव आयोग कोई नियम बना दे कि इतने साल की उम्र तक के लोग नगर निगम का, विधानसभा का, लोकसभा का, पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। यदि चुनाव आयोग उम्र तय कर देगा और उस पर सारे दल सहमति दे देंगे तो निश्चित रूप से ये देश युवाओं के हाथ में रहेगा। राजनीति में ये कहा जाता है कि अनुभवी नेता को क्यों रिटायर किया जाए, तो ऐसा नहीं है। 60 साल की उम्र में जो मुख्य सचिव होता है या कलेक्टर होता है या डिप्टी कलेक्टर होता है या TI होता है, CSP होता है, उनको भी 30-40 साल की नौकरी में काफी अनुभव हो जाता है। इस हिसाब से तो सेना के अफसरों का भी रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तो पुरानी जानकारी रहती है कि सीमा पर चौकसी के लिए क्या करना है, थल सेना को क्या करना है, वायुसेना को क्या करना है, जल सेना को क्या करना है, उनके ऑफिसरों को पता होता है। लेकिन ये बात सही है कि रिटायरमेंट की उम्र तय होना चाहिए, ये बेहतर समय आ चुका है और बेहतर मौका भी है कि जब सारे राजनीतिक दल इस घटना को सबक के रूप में लें और ये तय करें। वैसे नेताओं से किसी बड़े अच्छे काम की उम्मीद करना बेईमानी होती है, नेताओं को खुद को ये कह देना चाहिए कि जब मैं 75 साल का हो जाऊंगा तो सारे पदों से हट जाऊंगा और उसके बाद जो है मैं सक्रिय राजनीति न करते हुए पार्टी को मार्गदर्शन देता रहूंगा। आडवाणी की टिकट कटना ये देश में चर्चा का मुद्दा है फिलहाल में, तो लाल कृष्ण आडवाणी का जो टिकट काटा गया है क्या वो उनकी स्वयं की सहमति से है या भाजपा ने अपनी राय से उन्हें उनका ये टिकट काट दिया? इस बात को लेकर विरोधाभास की स्थिति है जी। लाल कृष्ण आडवाणी के पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं गए जी। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो संगठन महामंत्री रामलाल जी हैं वो उनके पास गए थे और आडवाणी ने यह कहा था कि मैं अपने परिवार में और किसी को टिकट नहीं देना चाहता, क्योंकि उनके परिवार में उनकी एक बिटिया है प्रतिभा जी। उनको टिकट देने की पेशकश की गई थी हाँ। और ये कहा गया था कि उनकी बेटी को हम टिकट दे देते हैं, उनको नहीं देंगे हाँ। इस बात से आडवाणी नाराज भी हुए। यदि आडवाणी को सही समय पर समझा दिया जाता तो हो सकता है कि वे ट्वीट कर देते कि मैं अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उदाहरण के तौर पर हम सुषमा स्वराज का नाम लेते हैं जिन्होंने खुद ट्वीट करके ये कहा कि वो अब लोकसभा चुनाव अस्वस्थता के चलते नहीं लड़ेगी। कलराज मिश्र ने ये कहा कि वो भी अस्वस्थता के चलते चुनाव नहीं लड़ेंगे। और भी बाकी नेताओं ने समय समय पर ये कहा है, ये वाकई अच्छी बात है। पर मैं इस टिकट कटने को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी के दर्द को कुछ इस तरह से बयान करना चाहता हूं जी। कि आडवाणी को अब कितना मन दुख रहा होगा, कितना दिल दुख रहा होगा, या कितना उनका उनको तनाव हो रहा होगा, उनको गुस्सा आ रहा होगा, ये वो अपने आप को कोस रहे होंगे कि जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात दंगों के समय
वहां पर हो रही अराजकता के बाद साफ तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन करें, इसका मतलब ये कि वो तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन तब नरेंद्र मोदी के पक्ष में खुलकर लालकृष्ण आडवाणी आए और उन्होंने उनका मुख्यमंत्री पद बचा लिया, नहीं तो पता नहीं नरेंद्र मोदी कहाँ होते और उनके इस्तीफे के बाद दूसरा मुख्यमंत्री गुजरात में बन जाता और उसके बाद मोदी की हाइट इतनी नहीं बढ़ती। सवाल ये हो रहा है कि उम्रदराज नेता और पार्टी के आदर्श नेता और नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने वाले नेता, 200 सीट तक पहुंचाने वाले लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के घटनाक्रम को लेकर हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान की गौरवशाली परंपराओं पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि राजनीति में भी कुछ मर्यादाएं होना चाहिए, राजनीति में भी कुछ सिद्धांत होना चाहिए, राजनीति में भी कुछ अपनापन होना चाहिए, कुछ सीनियर जूनियर वाला सिस्टम होना चाहिए। कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी की टिकट कटने का उन तमाम लोगों को दुख है जो उनको अच्छी तरह से नज़दीक से जानते हैं, जो ये जानते हैं कि उनके लहू से बनी ये भारतीय जनता पार्टी में आज ये उनकी हालत हो गई है कि उनका टिकट काट दिया जाता है और पूरा देश उस पर जगह सही करता है। लालकृष्ण आडवाणी के टिकट काटे जाने को लेकर आज हमने राजेश राठौर जी से बात की और ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे, तो देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।